देखिए, आप भी चाहते हैं कि अगर आप राइटिंग का वर्क करें तो आप एक रियल वेबसाइट के ऊपर वर्क करें जिससे आपको पेमेंट भी रिसीव हो। तो आज एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं जहां पे पर आर्टिकल के आपको $10 से लेके $50 तक दिए जाते हैं। अमाउंट बहुत थोड़ी है लेकिन ये ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है और आप डिपेंड किया जाएगा आपके आर्टिकल के ऊपर। आपका आर्टिकल कितना क्वालिटीएबल होगा, कितनी उसके अंदर क्वालिटी होगी, तब जाके आपका आर्टिकल अप्रूव होगा। वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने आर्टिकल को राइट करेंगे, किस तरह आप सबमिट करवाएंगे और किस तरह आप अपनी पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करके पैसे कैसे कमाने हैं। जैसे कि यहां पे देखें, आपने कंट्रीब्यूटर के तौर पे यहां पे काम करना होता है, आपने जस्ट राइटिंग का वर्क करना है, आर्टिकल को राइट करना होता है। अगर आप यहां पे एक आर्टिकल को राइट करते हैं तो आपको $10 से लेकर $50 तक दिए जाते हैं और आगे इन्होंने मेंशन किया है डिपेंडेड ऑन योर आर्टिकल क्वालिटी, जिस तरह के आपके आर्टिकल की क्वालिटी होगी उस बेस पे यहां पे आपको पेमेंट दी जाती है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी नॉर्मल होती है तो आपको यहां पे $10 दिए जाते हैं, $20 दिए जाते हैं, $30 दिए जाते हैं, मतलब कि आपको पर आर्टिकल $10 से लेके $50 के अराउंड आपको दिए जाते हैं। इसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब टॉपिक की बात की जाए कि आपको टॉपिक कहां से मिलेंगे, तो ये वेबसाइट खुद आपको टॉपिक प्रोवाइड करती है और आपने टॉपिक को अप्रूव करवाना होता है, मतलब कि आपने अपना एक टॉपिक का प्रपोजल इनको सेंड करना होता है। इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आपने इनको प्रपोजल सेंड करना है और किस तरीके से जब आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आपने अपने आर्टिकल को राइट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना प्रपोजल सेंड करना है। प्रपोजल जो है वो इस तरह का होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे देखें कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। आपने इस टॉपिक के रिलेटेड अपना प्रपोजल सेंड करना होता है। जब आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे, आपका प्रपोजल एक्सेप्टेबल होगा, उसके बाद यहां पे आपने अपने आर्टिकल को राइट करना होता है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे अब कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, तो आपने यहां पे सर्च करना है profitf.com। जैसे आप यहां पे सर्च करेंगे, यहां पे देखें profitf.com, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं इनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। बेसिकली यहां पे आप इस साइट को विजिट भी कर सकते हैं। ये फॉरेक्स की वेबसाइट है, इसमें बिजनेस है, एजुकेशन है, इसके अलावा स्ट्रेटजी आ जाती है, ये सारी चीजें यहां पे आपको मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप इसके राइट फॉर अस वाले पेज के ऊपर आते हैं, जैसे कि आप गूगल के ऊपर आते हैं और यहां पे आपने सर्च करना है profitf.com या आप .com नहीं भी मेंशन कर सकते, profitf.com आप जैसे ही मेंशन करेंगे उसके आगे आपने स्पेस देके मेंशन करना है राइट फॉर अस। तो जैसे ही आप राइट फॉर अस मेंशन करेंगे तो यहां पे आपके सामने राइट फॉर अस का पेज जो है वो ओपन होके आएगा। जैसे कि यहां पर देखें, ये फर्स्ट पे आता है www.profitf.com राइट फॉर अस, आपने इस वाले पेज को ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे आपके सामने इसका राइट फॉर अस का पेज जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला मेथड आता है वो है आपने यहाँ पे टॉपिक लेना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्राइस आपने यहाँ पे देख ली कि आपको $10 से लेके $50 तक पर आर्टिकल दिए जाते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आते हैं जी टॉपिक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन का आर्टिकल आपने राइट करना है, ये 4 से 5 आपको टॉपिक दिए जाते हैं। आपने देख लेना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज करता हूँ एजुकेशन आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करने के बाद अब आपने कैसे यहां पे सबमिट करवाना है, तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक जो है उसको अप्रूव करवाना होगा कि मैं इसके ऊपर अपना आर्टिकल राइट करना चाहता हूं, तो आप जो है वो मेरे इस आर्टिकल या इस टॉपिक को मेरे को अप्रूव करें ताकि मैं इसके ऊपर बाकायदा आपको एक आर्टिकल राइट करके दूं। आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पे देखें लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट विद अस, आपने सबसे पहले अपना नेम मेंशन करना है। नेम मेंशन करने के बाद ईमेल मेंशन करनी है, ईमेल आपने वैलिड मेंशन करनी है जिसके ऊपर आपको रिस्पांस भी किया जा सके। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आप जो है वो यहाँ पे जो आपका टॉपिक होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आता है जी मैसेज, अब आपने यहाँ पे अपनी एक छोटी सी बायो राइट करनी है कि आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं, आपका नाम जो है वो आपने मेंशन करना है, आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है। सबसे पहले आप अपना नेम मेंशन कीजिएगा, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, उसके बाद बताना है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टाइप द कैरेक्टर, तो ये वाला जो कैप्चा आपके सामने आता है आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर लीजिएगा, जो कैप्चा भी आपके सामने आएगा आपने इसको यहां पे फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आपने सेंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब आप इनको अपना प्रपोजल सेंड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जी, जैसे ही आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इस टॉपिक को चूज किया था, अब आपने इस टॉपिक के ऊपर अपने आर्टिकल को राइट करके सबमिट करवाना होता है ताकि आपका आर्टिकल जो है वो अप्रूव हो सके। अब आपने अपना आर्टिकल राइट कैसे करवाना है, आर्टिकल राइट करवाने के लिए आपने आना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पे आने के बाद सबसे पहले आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है AIPRM। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट जो है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है राइट एन आर्टिकल अबाउट एजुकेशन आर्टिकल। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके सामने यहां पे देखिए एक लिंक आ जाता है। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपने आर्टिकल को राइट करवा लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा आर्टिकल जो है वो राइट होना स्टार्ट हो चुका, और इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन आ जाती है, इंट्रोडक्शन आ जाती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोफेशनल आर्टिकल राइट करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ सकें। और अगर आप इस चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो इसके अंदर सारी की सारी आपको चीजें मिल जाती हैं ताकि आपका आर्टिकल जो है वो अप्रूव हो सके। अब सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन, जो आपने लाजमी से इस आर्टिकल के अंदर राइट करवानी होती है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे देखें कंक्लूजन आ जाता है, इसके अलावा FAQs आ जाते हैं। आपने ये तीन से चार चीजें अपने आर्टिकल के अंदर लाजमी से राइट करवानी होती है। अगर आप ये चीजें राइट करवाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी इस एक्सटेंशन को यूज करके आप यहां पे अपना आर्टिकल राइट करवा सकते हैं और इसके अंदर ये सारी सारी चीजें जो है वो आपकी ऐड होती जाएंगी। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पे देखिए अब आपका एक प्रॉपर आर्टिकल जो है वो राइट होना स्टार्ट हो चुका है, एजुकेशन के रिलेटेड आपका आर्टिकल जो है वो राइट होगा। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपका टाइटल आ गया और इसके अलावा बाकी आपका जो मतलब आर्टिकल है वो राइट होना स्टार्ट हुआ है, मुकम्मल आपका आर्टिकल यहां पे राइट हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपका आर्टिकल राइट हो जाएगा, आर्टिकल राइट होने के बाद आपने समाल एसईओ टूल के ऊपर जाना है और इसकी AI डिडक्शन जो है उसको चेक कर लेना है। ऑलमोस्ट AI डिडक्शन जो है वो होती नहीं है क्योंकि आप इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं, जिस वजह से इसके अंदर कोई भी प्लैगियरिज्म या कोई भी इस तरह का इशू नहीं आता। जैसे कि यहां पे देखिए जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, FAQs भी ऐड हो चुकी है, उसके बाद कंक्लूजन भी ऐड हो चुका और ऊपर यहां पे इसका इंट्रोडक्शन भी ऐड हो चुका। ठीक है, जो मेन चीजें हैं वो सारी की सारी यहां पे ऐड हो चुकी हैं। अब यहां पे आपने इस आर्टिकल को सेलेक्ट करना है, आर्टिकल को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूं कि किस तरह आपने सेंड करना है। तो जैसे आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अगेन आपने गूगल के ऊपर आना है और यहां पे आपने सर्च करना है स्मॉल एसईओ टूल। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहां पे देखिए चैट जीपीटी डिडक्टर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे अब आपने अपने पूरे के पूरे आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद डिडक्ट जीपीटी कंटेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 2 से 3 सेकंड या 5 से 10 सेकंड लगेंगे और यहां पे आपका आर्टिकल जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए इसने मैं बता दिया जी ह्यूमन राइटिंग कंटेंट जो है वो 99.92% आ रहा है और AI रिटन कंटेंट जो आ रहा है वो 0.08% आ रहा है। मतलब कि ये आर्टिकल हमारा अप्रूव होने के काबिल है। और अब आपने इसके अंदर अपनी पिक्चर्स को ऐड कर लेना है, वो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आप किस तरह अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपने अपने क्लाइंट को कैसे सेंड करना है, क्लाइंट को इस तरह से सेंड करेंगे जैसे कि आपको आपका क्लाइंट जो है रब्ता करेगा मेल के थ्रू, क्योंकि जो आपने अपना प्रपोजल सेंड किया है उसके अंदर जो आपने अपनी मेल लगाई है उस मेल के थ्रू आपको आपका क्लाइंट जो है वो रब्ता करेगा और उसी मेल के थ्रू आपने अपना आर्टिकल जो है उसको सेंड करना होता है। मेल आपका क्लाइंट ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका होगा, आपके पास मेल आ चुकी होगी और उस मेल के ऊपर जो है वो आपने अपना आर्टिकल सेंड कर देना होता है। उसके बाद ये आपको बताएंगे कि पेमेंट मेथड आप कैसे रिसीव करेंगे। जब आपका आर्टिकल अप्रूव हो जाएगा, इनको पता चलेगा कि एक यूनिक आर्टिकल है, अच्छे तरीके से राइट किया गया है, तो आपका आर्टिकल जैसे ही अप्रूव होगा तो आप अपने अपनी पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू इजीली रिसीव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मोस्टली यही ऑप्शन होता है बैंक का, और दूसरा ऑप्शन होता है पायनियर का। पेपाल को तो वैसे ऑप्शन है लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेपाल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आप अपना विड्रॉ बैंक के थ्रू या पायनियर के थ्रू इजीली रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एड्स टेरा के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो फ्री की वेबसाइट क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह फ्री की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, किस तरह से एड्स टेरा के एड लगा के अपनी फर्स्ट डे से इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं। एड्स टेरा का लाइव मैंने विड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है कि किस तरह आप यहां से विड्रॉ ले सकते हैं और किस तरह मैंने यहां से विड्रॉ लिया और बिल्कुल फ्री का जो मतलब ट्रैफिक, आपको काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ट्रैफिक नहीं आती, तो ट्रैफिक का टूल बाकायदा मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से फ्री की ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और बाकायदा आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकेगी। और अगर आप अपनी वेबसाइट का एडसन से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बाकायदा एक
एक मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग का कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं उसके अंदर प्रॉपर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि आप ब्लॉग किस तरह से राइट करेंगे, ब्लॉग को गूगल के ऊपर इंडेक्स कैसे करेंगे, और इसके अलावा आपका ब्लॉग अप्रूव कैसे होगा, आपकी साइट अप्रूव कैसे होगी गूगल एडसन के थ्रू, आपने गूगल एडसन के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, और इसके अलावा आपने ब्लॉगिंग की ऑल सेटिंग्स कैसे कंप्लीट करनी है। प्रॉपर 4 से 5 वीडियो अगर आप उन वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप फर्स्ट डे से अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत ही यूनिक मेथड है और सारी चीजें जो पेड चीजें लोग आपको बताते हैं वो बिल्कुल फ्री के अंदर सारी चीजें आपको गाइड की हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मुकम्मल मेरा कोर्स पड़े आप उसको वॉच करें ताकि आप अपनी फर्स्ट डे से इनकम को स्टार्ट कर सकें।